नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जाधव, आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूपॉन्ट फिनटेक और उसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में। देखेंगे ड्यूपॉन्ट फिनटेक जो है वो उसके कॉम्पिटिटर से किस प्रकार डिफरेंट है और इसमें क्या बेनिफिट्स है जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे पाते, इसीलिए वर्ल्ड की बेस्ट मेम्ब्रेन मानी जाती है ड्यूपॉन्ट फिनटेक की। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। ड्यूपॉन्ट फिनटेक की मेम्ब्रेन में थिन फिल्म कॉम्पोजिट एलिमेंट शीट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहती है। और इसकी जो रोलिंग है ये पूरी तरह से ऑटोमेटेड यानी कि मशीन प्रोसेस से होती है, इसलिए इसका जो साइज एंड परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, हमेशा सेम रहता है, इसकी क्वालिटी हमेशा मेंटेन रहती है। और इसके अंदर जो एलिमेंट इस्तेमाल होता है वो ड्राई शीट एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस एक साल तक आप इसको रखेंगे तो भी इसका परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होता, यानी कि इसकी जो शेल्फ लाइफ है ये ड्राई शीट एलिमेंट होने की वजह से ज़्यादा मिलती है। और इसको आप एक साल तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, उसके बाद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी इसकी क्वालिटी, इसका परफॉर्मेंस आपको सेम मिलता है। दूसरे कॉम्पिटिटर्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादातर बनती है वेट शीट मेम्ब्रेन से, यानी कि इसकी जो शीट होती है रोलिंग की वो वेट शीट होती है, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। और इसको अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो उसके अंदर बायोफोलिंग हो सकता है, जिसके वजह से पानी की क्वालिटी जो है वो हैम्पर हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी जो है, आप टेस्ट जब आप मेम्ब्रेन नया डालते हैं तो उसमें से एक ख़राब स्मेल आती है या फिर खराब टेस्ट आती है। ये सब अदर कॉम्पिटिटर की मेम्ब्रेन्स में इसी कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरेज केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए जब भी आपको नई मेम्ब्रेन लगाते हैं तो कम से कम 40 से 50 लीटर जो पानी है आपको फेंकना पड़ता है, उसके बाद ही आपको प्रॉपर टीडीएस मिलता है या फिर प्रॉपर टेस्ट मिलता है। तो उसका रीज़न है कि वेट शीट मेम्ब्रेन्स जो भी होते हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम आ सकती है और पानी की क्वालिटी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते। ड्यूपॉन्ट फिनटेक की मेम्ब्रेन जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनती है और हर एक मेम्ब्रेन जो है वो सेम डायमेंशंस की होती है, जिसके अंदर डिफरेंस या डेविएशंस बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से ये मेम्ब्रेन्स जो है ये आराम से आपके मेम्ब्रेन हाउसिंग में फिट हो सकती है। और मेम्ब्रेन हाउसिंग में फिट करते वक्त इसे डैमेज होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज ये प्रॉपरली ऑटोमेटिक प्रोसेस से बनाई जाती है, इसलिए इसमें आपको किसी भी प्रकार की फिटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती है। कॉम्पिटिटर्स की मेम्ब्रेन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेविएशंस है हर एक मेम्ब्रेन के अंदर, हमेशा कुछ ना कुछ डेविएशन है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ ना कुछ फर्क रहता है। जैसे आप देख सकते हैं ये रिंग जो है ये थोड़ी ऊपर है, इसमें थोड़ी नीचे है, और कभी कभी मेम्ब्रेन का जो स्पाइरल वाउंडिंग है वो कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है। हालांकि ये दोनों एक ही कंपनी की मेम्ब्रेन्स है, इसकी आप टेपिंग की क्वालिटी भी देखेंगे तो कितना डिस्टर्ब्ड है। तो ये सब होता है मैनुअल एरर या इंसान इसको कई बार हैंड टूल से रोल किया जाता है या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस से इस्तेमाल नहीं होता है या डेविएशंस का ख्याल नहीं रखा जाता है, उसके वजह से इसमें आपको इतने सारे डिफरेंसेस आते हैं और इसके वजह से क्वालिटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है और उसको मेंटेन करना दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मेम्ब्रेन में बहुत मुश्किल हो जाता है। ड्यूपॉन्ट फिनटेक एक एक्चुअल 75 जीपीडी मेम्ब्रेन है, जिसमें आप देख सकते हैं 15 लेयर है और इसमें से आपको आराम से 14 से 15 लीटर पर आवर का फ्लो मिल जाता है। अदर कॉम्पिटिटर्स के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो ज़्यादातर 11 लेयर या 12 लेयर के होते हैं, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं, ये एक 11 लेयर की मेम्ब्रेन हो के भी लोग इसे 80 जीपीडी कहते हैं और इसके ऊपर कोई भी लेबल लगा के इसको बेचते हैं। ड्यूपॉन्ट फिनटेक की जो मेम्ब्रेन है आप इसे 75 जीपीडी या 100 जीपीडी बूस्टर पंप के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये 15 लेयर की मेम्ब्रेन है, इसे आप दोनों भी पंप्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लो रिस्ट्रिक्टर जो है आप 450 का आराम से इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो दोस्तों इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ज़्यादातर 12 लेयर 13 लेयर के मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये जो है हाई प्रेशर पे परफॉर्म कर पाते हैं, 90-100 PSI पे परफॉर्म कर पाते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रेशर लो हो जाए 70 PSI हो जाए 60 PSI हो जाए वहाँ पे ये काम नहीं कर पाते हैं और ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ड्यूपॉन्ट फिनटेक की रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की वजह से आपको
इस फिल्मटेक मेम्ब्रेन में क्लोरीन टॉलरेंस 0.1 ppm तक मिलता है, यानी कि आप इस मेम्ब्रेन को टैप वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज वेल एज ब्रैकिश वाटर यानी कि बोरवेल वाटर या फिर जो रिवर वाटर है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कंडीशंस में ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। कॉम्पिटिटर के ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर मेम्ब्रेन होते हैं जो टैप वाटर पे नहीं चल पाते बिकॉज उनका क्लोरीन टॉलरेंस बिल्कुल ही नहीं के समान होता है, यानी कि अगर पानी में क्लोरीन ज़्यादा होगा तो उनकी मेम्ब्रेन जो है वो क्लोरीन खा जाता है, फटने लगती है और वो परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो इसी के वजह से जो है जो नॉर्मल कॉम्पिटिटर के मेम्ब्रेन है वो टैप वाटर जो कॉरपोरेशन वाटर है उस पर नहीं चल पाते और वहाँ पर फेल हो जाते हैं। ड्यूपॉन्ट फिनटेक की मेम्ब्रेन जो है ये NSF सर्टिफाइड मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसमें से जो भी पानी प्यूरिफाई करके मिलेगा वो 99% आपको बिल्कुल प्योर एंड सेफ टू ड्रिंक होगा। ज़्यादा करके कॉम्पिटिटर्स के पास में NSF सर्टिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए उनकी पानी पीने के पानी की प्योरिटी की कोई श्योरिटी नहीं होती है और उतना रिस्क हमेशा आपके साथ रहता है कि वो मेम्ब्रेन आपको सेफ वाटर दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। दिस इज द ऑलवेज द रिस्क दैट यू कैरी व्हेन यू गो फॉर अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों आपको ये ड्यूपॉन्ट फिनटेक वर्सेस कॉम्पिटिटर्स का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर आप जेन्युइन फिनटेक मेम्ब्रेन खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए Amazon एक्सक्लूसिव लिंक से परचेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 100% अश्योर्ड बाय फिनटेक जेन्युइन मेम्ब्रेन मिलेंगी, साथ में मिलेगा ऑन साइट की तरफ से फ्री सर्विस। तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।